हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट गूगल सीट एंड एमआर सपोर्ट ऑटोमेशन। गूगल सीट में हम बात कर रहे हैं ऐप स्क्रिप्टिंग के बारे में। जी हाँ, ऐप स्क्रिप्टिंग जस्ट लाइक ए वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। जब आप गूगल सीट के जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए होता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसी तरह से गूगल सीट जस्ट लाइक एक्सेल है, तो इसमें भी आपको प्रोग्रामिंग कुछ नया ऐड करने के लिए वीवीए की तरह ऐप स्क्रिप्टिंग दिया हुआ है, जिसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आने वाली सीरीज में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐप स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और आप चाहे तो पूरी की पूरी वीडियो सीरीज मेरी ऐप से ले सकते हैं, मेरा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहां से आप लेके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए एक छोटा सा मैक्रो मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि ऐप स्क्रिप्ट काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हुए हैं, अब मुझे इन नंबर्स का टोटल करना है यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा के। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन पे जाते हैं और यहाँ ऐप स्क्रिप्ट को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वीवी प्रोग्रामिंग की तरह एक नया विंडो खुल के आपके सामने आता है, एक नया विंडो खुल के सामने आता है। तो फाइल्स पे आप यहाँ पे स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, इसका नाम दे दीजिए आप, जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे स्क्रिप्ट MM, .gs आ गया गूगल सीट, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली माई फंक्शन बन के आ गया। पर माई फंक्शन को भी मैं रिनेम करना चाहता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ M1। तो फॉर्म बनाने का तरीका सिंपल है, फंक्शन, उसके बाद आप इसका, अगर यहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं तो आपको लिखना है फंक्शन, फंक्शन के बाद नाम, जैसे तो एम अंडरस्कोर हमने 1 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा है, और फिर एंटर मारना है। जो भी प्रोग्रामिंग होगी इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही होगी, जैसे कि गूगल स्क्रिप्ट में हुआ करती थी, जावास्क्रिप्ट में, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि वेर वेर एसपी, हम एसपी दे देते हैं, एसपी इक्वल टू एसपी आर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट ऐप डॉट, यहाँ पे हमने बोल दिया गेट एक्टिव, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे सेमी कॉलन, हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगता है लाइन को फिनिश करने के लिए। तो हमने बोला कि एक वेरिएबल डिफाइन किया कि एसपी नाम का एक वेरिएबल है, जो कि जो स्प्रेडशीट ऐप है उसके अंदर जो एक्टिव शीट है उसको लेके चलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एसपी डॉट गेट रेंज, और ब्रैकेट में सिंगल कोट, या डबल कोटेशन मार्क लगता है, सिंगल तो सिंगल कोटेशन मार्क लगता है, सिंगल कोटेशन मार्क में हमने बोला कौन सा है, तो ये है हमारा, एक बार एक चलते हैं कि हमें कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। तो फॉर्मूला लगाना है A6 पे, तो यहाँ हम A और 6 दे देते हैं, A6, और यहाँ पे डॉट एक्टिव, एक्टिवेट, एक्टिवेट करके ब्रैकेट यहाँ पे ओपन क्लोज और A सेमीकोलन लगा के इसको फिनिश कर। उसके बाद यहाँ पे अगेन एसपी डॉट गेट करेंट, जो ऊपर में सिलेक्ट किया है वही है करेंट सेल, तो गेट करेंट सेल, सेम ब्रैकेट क्लोज करेंगे ओपन क्लोज, कॉमा सेट फॉर्मूला, हम फॉर्मूला कर रहे हैं सेट फॉर्मूला, और ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में अपना फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मूला होगा सम ब्रैकेट ओपन A1 से A5, और यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं ताकि ये लाइन फिनिश हो जाए। अब ये हो गई हमारी,
अब हम आते हैं, अब इसको अनटाइटल दिख रहा है, रिकॉर्डेड माइक्रोज अनटाइटल करके आ रहा है, इसका हम चेंज कर देते हैं नाम, इसका नाम कर देते हैं एम एस एम सीरीज का, और इसको रिनेम कर दिया। अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो एक्सटेंशन में आते हैं, ऐप स्क्रिप्ट में, यहां से इसको रन किया जा सकता है। यहां से आपको सबसे पहले आता है परमिशन, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है हमारा, इसको परमिशन देना जरूरी है, क्योंकि गूगल जब तक अकाउंट परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले जब भी नया प्रोग्राम बनाएंगे उसको ऑथराइज करना, बता रहा है कि गूगल सीट गो टू में अनसेव कर देता हूं, चलाओ। यहाँ पे स्क्रिप्ट कंप्लीटेड, अब जाके देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आया कि हमने यहाँ पे ओके ओके इसकी बाइक क्लोज नहीं किया था हमने, इसमें दिक्कत हुआ, इसकी बाइक क्लोज कर, ये चीज आप यहाँ एक्सटेंशन में ऐप मैक्रोज के अंदर देखिए, M1 नाम का मैक्रोज आ गया, यहाँ से इसको आप रन कर सकते। सेव कर दीजिए, सेव प्रोजेक्ट। अब आ गया रिजल्ट से। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, स्प्रेडशीट आपका पूरी एप्लीकेशन होता है, एक्सीट होती है, रेंज आपका एबीएम रेंज होता है, वैल्यू फॉर्मूला डाल सकते हैं, बिल्कुल इसके तरह होता है आपका गूगल शीट की तरह होता है। तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप सीखने के लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए हमारी वीडियोज को, और पूरी सीक्वेंस के लिए मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।